दोस्तों सुबह सुबह मेरे को फ्रैंकलिन ने सामान लेने के लिए भेजा था, लेकिन देखो यार मैं तो टॉफी भी नहीं ले पाया। सब्जियां बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी हैं, अब क्या करूँ यार। मेरे को थोड़े से पैसे बचते हैं लेकिन आज नहीं बच पाए। अरे फ्रैंकलिन क्या चला गया? मेरे को लगता है बाइक लेके कहीं चला गया। बाइक तो है नहीं उसकी, गाड़ी यहीं खड़ी है। अरे यार ये मेरे को सामान लेने भेज देता है, खुद मस्ती करते रहता है। अभी जाऊँगा तो देखना उसको, डांटूंगा जब वो आएगा। अरे यार ये तो बहुत ही गलत बात है, अब खाने में भी देरी हो जाएगी। अरे ये क्या, फ्रैंकलिन तो यहीं खड़ा है। मेरे को लगता है इसने बाइक सर्विस पे दे दी होगी अपनी, अगर ये यहीं खड़ा है तो, वरना बाइक तो यहीं होनी चाहिए थी। अरे बाइक कहाँ चली गई? अरे बाहर ही खड़ी है यार। अरे नहीं है बाहर, पागल है क्या शिनचैन सुबह सुबह मजाक मत कर। अरे सही में बाइक नहीं है बाहर? अबे शिनचैन तेरे को मैं ही मिलता हूँ सुबह सुबह मजाक करने के लिए। अच्छा अच्छा काम करती हो, जाके देखे खुद ही? हाँ चल खुद ही जाके देख आता हूँ। शिनचैन तू भी है ना भाई, बहुत परेशान करने लग गया मुझे। अबे यार मत बोला कर रहा था झूठ, तूने पिछली बार भी ऐसे झूठ बोला था। अरे पिछली बार मैं मजाक कर रहा था लेकिन इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा। तू तो सही में भाई मजाक नहीं कर रहा था भाई, बाइक कहाँ चली गई हमारी, यहीं तो खड़ी करके गया था अभी मैं। मैंने बोला था ना। अबे यार शिनचैन मेरे को लग रहा है हमारी बाइक चोरी हो गई। बाइक चोरी हो गई हमारी, अब कुछ करना पड़ेगा। हाँ कुछ करना तो पड़ेगा, कुछ से मेरा मतलब है पुलिस वाले को बुलाना पड़ेगा, या फिर सबसे पहले शर्मा जी अंकल के घर जाता हूँ मैं, उनसे पूछता हूँ, उनको अगर कुछ पता हो तो, उनने किसी को देखा हो तो। अरे यार शर्मा जी अंकल मेरे ख्याल से घर पर नहीं है, तुझे कैसे पता? सुबह सुबह बस जा रहे थे कहीं अपने बेटे के साथ। चल देखते हैं, पर बुला तो लेते हैं। शर्मा जी अंकल, ओ हेलो, है कोई घर पे? अरे यार मेरे को लग नहीं रहा कोई है। अरे मैंने बोले थे ना सुबह सुबह ही निकल गए वो तो। चल ठीक है, अगर वो निकल गए तो मेरे को लगता है मेरे को पुलिस वालों को फ़ोन करना पड़ेगा। पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा। शिनचैन एक काम करते हैं, लिटिल सिंगम को बुलाते हैं। लिटिल सिंगम कर देगा हमारा केस सर्व, उसने पिछली बार भी हमारी गाड़ी ढूंढी थी। तभी मैं बोल रहा हूँ उसको एक्सपीरियंस है भाई हमारे साथ काम करने का, उसको पता है भाई कैसे हम रहते हैं, क्या है हमारा बाकी सब, उसको हमारी बाइक का भी पता है, वो काफ़ी घूमा है हमारे साथ, तो सिंगम को ही बुलाते हैं। चल ठीक है, कॉल करेगा वो? अबे मैं कॉल करूँगा उसको। हेलो पुलिस डिपार्टमेंट, प्लीज़ लिटिल सिंगम को भेजो हमारे घर। ओके अब आएगा मज़ा। वो आएगा? अबे बिल्कुल आएगा, बस अभी रास्ते में ही है, निकल गया वो। ठीक है निकला गड्डी लेके उस सड़क पे उस मोड़ पे। अबे क्या था यार गाना, छोड़ो यार मैं भूल गया। अब फ्रैंकलिन की मदद करनी होगी हमें गाइस। बारी खड़े तो ओए 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 भाइयों कैसे हो? अरे बढ़िया, तू सुना लिटिल सिंघम? अरे बढ़िया कैसे हो गए तुम? तुम्हारी तो बाइक चोरी हो गई, कितने बेशरम लोग हो यार तुम। तुम्हारे घर पे चोरी हुई यार, तुम बोल रहे हो बढ़िया है। अरे यार सिंघम तू भी ना मजे ले रहा है, काम कर, हमारी है ना बाइक चोरी हो गई है तो प्लीज यार उसको ढूंढ दे। अरे उसी काम के लिए आया हूँ भाई, तेरे को क्या लगा मैं तकली मार दे हूँ? अरे यार पता है, ठीक है चल जा यार जल्दी से हमारी बाइक ढूंढ के आ, उसके बाद तेरे को पार्टी देंगे। भाई मेरे को पार्टी में पता क्या चाहिए? हाँ बता बता। भाई मेरे को चाहिए कि मैं स्विमिंग पूल में नहाऊँ। अबे ये कैसी ख्वाहिश है तेरी, पैसे वैसे नहीं चाहिए देखो? नहीं भाई मेरे को पैसे वैसे नहीं चाहिए, मेरे को स्विमिंग पूल चाहिए तेरा। ठीक है यार दे देंगे। अरे यार मैं तो आ गया, आज तो स्विमिंग पूल में नहाने को मिलेगा। ओए कितनी तगड़ी गाड़ी है यार इसकी। ओए 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 रुक रुक रुक। अबे यार इसको क्यों रोक रहा हूँ मैं? मेरे को तो यार ढूंढनी है बाइक, अब निकलता हूँ यहाँ से भाई, मज़ा आएगा आज फ्रैंकलिन की बाइक ढूंढने के, फिर नहाएंगे उसके स्विमिंग पूल में। मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे को स्विमिंग पूल कभी मिला नहीं है, तभी मेरे को इतनी शौक है यार स्विमिंग पूल की। लेकिन यार ये मेरी गाड़ी उल्टी हो गई है यार, ये तो गलत बात है यार। अब मैंने अपने शहर के सारे खबरियों को बोल दिया कि ग्रीन कलर की बाइक है। जैसे मैंने अपने खबरियों को बात बताई, एक खबरी उनमें से बोला कि भाई मेरे को पता है वो ग्रीन बाइक कहाँ मिलेगी। उसने मेरे को बोला कि 27 अपार्टमेंट में एक गैंग है, वहाँ पे उस गैंग ने एक नई बाइक ली है। मैं बोला यार वो नई बाइक नहीं ली उनने, वो चोरी करी है। फ्रैंकलिन की बाइक बिल्कुल नई नवेली लगती है। तब मैं वहीं जा रहा हूँ उस खबरी के पास, देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे को लग रहा है बड़ा तगड़ा एक्शन होने वाला है, गैंग वैंग से फाइट होगी आज। तुम्हारा भाई बिल्कुल रेडी है यार, मज़ा आएगा यार। और तेरी ये गाड़ी मैं सोच रहा हूँ यहीं खड़ी कर दूँ, नहीं यहाँ खड़ी नहीं करूँगा आगे खड़ी करूँगा। अगर मैं ये गाड़ी लेकर जाऊँगा तो कैसे का शक हो सकता है, और वो खबरी पकड़ा नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो हमारा खबरी है। तो तुम्हें बताना चाहिए गाइस उस खबरी की हमें हिफाजत करनी है, उसको पता नहीं होने, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हमारे साथ वो काम करता है। तो सबसे पहले तो हम गाड़ी को पीछे ही खड़े कर देंगे। मेरे को लग रहा है पीछे वाली गली में खड़े है वो, हाँ वहीं खड़ा है वहीं खड़ा है वहीं खड़ा है। पूरे शहर में मेरी खबरी का है, इसमें किसी भी चीज़ को निकाल सकते हो ढूंढ के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को 5 से 10 मिनट लगते हैं, अब मैं जाऊँगा उसके पास। ओए 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 भाई यहाँ पे तो बहुत सारी गाड़ी है, मेरे को लगता है यहीं आसपास ही होगी बाइक भी। और तेरी भाई कितनी तगड़ी यार लोकेशन है, मेरे को लगता है अब फ्रेंड। अबे अबे भाई ये क्या चल रहा है भाई, यहाँ तो काफ़ी भीड़ हो रही है भाई। मेरे को लग रहा है खबरी को मेरे को पीछे भेजना पड़ेगा भाई, पीछे तो खड़ा है वो, मेरे को लग रहा है पार्किंग के पास। ओए आंटी कैसी हो? अरे यहाँ पे होगा मेरे ख्याल से, यहीं है यहीं है यहीं है, वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा। ओए खबरी भाई आ गए तुम?
हाँ भाई बता क्या सीन है। भाई शख्स इधर मेरा 27 अपार्टमेंट। अच्छा तो खबरे भाई ये बता कि मैं कैसे जाऊँ वहाँ पे। भाई ये पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है, वो ले जाओ। अबे चल ठीक है चाबी दे। अरे भाई चाबी घर पे भूल गया। अबे कैसा आदमी है तू। चल ठीक है शीशा तोड़ के निकाल के ले जाता हूँ गाड़ी को। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, शीशा मैं करा लूँगा बाद में ठीक। और सर पुलिस की गाड़ी पीछे रखना क्योंकि वो बहुत खतरनाक गैंग है। अरे खतरनाक गैंग है। अबे पागल है क्या तू। मेरे को नहीं जानता क्या मैं क्या किस खेत की मूली होते को पता नहीं है क्या। अबे फोड़ के रख दूंगा भाई कोई से भी कहेंगे। अभी बता दो रुक जा तू भाई ऐसे की तैसे। अबे कहाँ है भाई कहाँ है बाइक कहाँ है बाइक। अरे यार आस पास ही बोल रहे हो तो बंदे ठीक है। मेरे को लगता है सामने वाले रोड के। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 27 अपार्टमेंट सामने वाले रोड से हमें जाना है लेफ्ट जाना है। ठीक है ठीक है ठीक है। लेफ्ट 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 वो वाला रोड था भाई। ठीक है मेरे को जैसी खबर मिली वैसे मैंने दूसरे पुलिस वाले को भी बोल दिया। वो भी इसके पीछे लग गए। मेरे को लगता है कि काफ़ी घमासान होने वाला है। हमारे साथ साथ और भी पुलिस वाले आने वाले हैं। एक मिनट आवाज़ आ रही है भाई। मेरे को लग रहा है शूटआउट शुरू भी हो गया भाई। ये तो भाई जब गाड़ी से ब्लॉक करता हूँ उसका रास्ता मैं। ये रहेगा भाई ये रहे। ओ भाई पुलिस वालों से पहले से बिट रहे हैं भाई ये तो। एक दो तीन अब तीन बंदे हैं भाई। अरे तेरी ऐसे की तेरे। अरे यार ये गाड़ी मेरे को भी मार के। मेरे को लग रहा है ऐसे के बंदे हैं यहाँ पे। ये गाड़ी से ब्लॉक कर रहे थे आगे इनकी जान बच सके लेकिन अब नहीं बचेगी क्योंकि बेटा मैं खड़ा हो गया। लिटल सिंघम आ गया भाई। वही अरे 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 ओ भाई हेलो। ओ हेलो पार्टी ओवर हो गई है भाई। ठीक है भाई हो गया काम। चलो 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 पुलिस वाले। ओ भाई 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 ये तो अभी भी जिंदा है। सुन रहे सरेंडर कर दे कोई दिक्कत नहीं है तेरे को हॉस्पिटल ले जाएंगे। अबे भाई ये तो बड़ा बेशरम आदमी है तुम। तेरी ऐसी की तैसी ये मेरे हाथ में गोली मारी है। चलो अब तो रुक जाएगा अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओ भाई देख हीरो मधुबन। अबे भाई क्या बेशरम आदमी है। तेरी ऐसी की तैसी मैं मान ही नहीं रहा था। लातों के बुद्ध बातों से थोड़ा ना मानते हैं। ठीक है यार अब मैं बात भी नहीं करूँगा। चलो चलते हैं बाइक ढूंढने के लिए। मेरे को लगता है कि अब काम आसान हो रहा है। गैंग तो हमने ख़त्म कर दी। अब हमें सिर्फ 27 अपार्टमेंट पे जाना है। वहाँ से बाइक लेनी है और फ्रैंकलिन को देनी है। अबे यार मज़ा आ गया आज तो। गाइस तुम देख सकते हो हमने बाइक ढूंढ दे भाई। सेकंड्स लगे मतलब ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं है। मिनट भी नहीं लगे होंगे सेकंड से लगे होंगे कुछ। मेरे को लग रहा है एक मिनट से पहले काम हो गया हमारा। ओ तेरी भाई ये देखो पुलिस वाले भाई। अबे यार ये तो कैजुअलिटी भी हुई हमारी। दो पुलिस वाले मरे गए यार। अब क्या यार ये तो बड़ी गंदी बात है। लेकिन कोई नहीं गैंग को मैंने मार ही दिया। गैंग इनने भी मार दी। दो बंदे ने मारे एक बंदा मैंने मारा तो सार सबको मिलता है यार क्रेडिट। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्रेडिट हम स्टील ही करेंगे किसी से। और ये देखो गाड़ी कितनी तगड़ी है। लेकिन अब मैं लेने जाने वाला हूँ फ्रैंकलिन की बाइक। यार फ्रैंकलिन की बाइक मिल गई हमें। एक केस और सॉल्व कर दिया। सिंगा मैम ऐसे ही नहीं बोलते लिटिल सिंगा मैम। और ये यहाँ से मेरे को लगता है अबे यार मैं 27 अपार्टमेंट्स का रास्ता भूल गया। मेरे को लगता है इसी गली में इसी गली में। हाँ इसी गली में थोड़ी और आगे जाके है वो रहा। ये नहीं नहीं ये नहीं है क्या। अच्छा अच्छा मेरे को लग रहा है ये वाला रास्ता है। ये रहा गाइस ये आ गई हमारी बाइक की लोकेशन। यहीं पे है मेरे ख्याल से वो खड़ी ना। ठीक है गाइस हमने बाइक ढूंढ दी है। फ्रैंकलिन कितना खुश होगा भाई। सरदार बहुत खुश होगा शाबाशी देगा। ये देखो भाई नई नवेली बाइक हमारी मज़ा आ गया। चलो ठीक है अभी ये केस भी मैंने सॉल्व तो कर ही दिया। मेरा प्रमोशन हो सकता है गाइस। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो यार। अगर पसंद नहीं आ रही है तो भी लाइक कर दो यार। अगली वाली पसंद आ जाएगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिटिल सिंघम दोबारा आएगा तुम्हारे पास तुमसे मिलने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जल्दी से चला भाई। अबे क्या कर रही है अटका हुआ ये तो। अरे यार मेरी हाइट ज़्यादा नहीं है ना इसलिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है गाइस। अगर मेरी हाइट होती तो मैं भी कूल लगता है यार उस बाइक को चलाते हुए। लेकिन मेरी और शिनचन की ये दिक्कत है हमारी हाइट छोटी है तो हम कूल ही लगते हैं बाइक चलाते हुए। ये देखो भाई अबे यार अच्छे से निकालते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर टूट गई तो फ्रैंकलिन मेरे को तोड़ देगा क्योंकि वो बोलेगा अबे देखो मैंने बाइक लेने के लिए भेजा था तू तो तोड़ताड़ के ला रहे। चलो आ गए हैं फ्रैंकलिन के पास। देखते हैं वो क्या बोलते हैं। वो काफ़ी खुश हो जाएंगे। उनका केस सॉल्व कर दिया मैंने। ये दूसरी बार है कि जब मैंने उनका केस सॉल्व किया है। इससे पहले भी मैंने किया था गाड़ी वाला। ओए मिल गई भाई भाई। ये भाई लिटिल सिंह हमें बता था तो ढूंढ लेगा भाई। तेरे पे पूरा भरोसा था। ये तो कमाल का लिटिल सिंह तूने तो आज दोबारा से साबित कर दिया। बड़ा पूरे दुनिया में वो ऐसे नहीं बोलते लिटिल सिंह। हम अब तुम्हारा भाई देखना क्या धमाल करता है पूरे शहर में। मेरा प्रमोशन होने वाला है गाइस। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताए क्या करेगा क्या खाएगा। खाने का बाद में पूछना भाई। अब तो तुम्हारे भाई को जाना है स्विमिंग पूल में। अच्छा ठीक है चल चलते हैं स्विमिंग पूल में। सारे साथ ही चलेंगी। हाँ चलो भाई साथ ही चलेंगे यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तेरे भाई को बहुत शौक है भाई स्विमिंग पूल का। भाई मेरे को बस यही चाहिए था जिंदगी में। अरे भाई ठीक है हमारे घर में दूध है। हाँ पता है ये छोटे वाला मेरे को ज़्यादा अच्छा है छोटे के लिए क्योंकि यार उसमें तो मैं डूब जाऊँगा यार मेरी हाइट बहुत कम है। अरे यार तू तो एक नंबर का चंपू है।
हाँ चंपू मत बोल बेटा, तेरी बाइक ढूंढ के लाया हूँ भी मैं। चल ठीक है, वैसे इनसे बोलना ये वीडियो को लाइक करिए। अरे भाई यो लाइक वाइक कर दिया करो भाई, तुम क्या करते हो भाई, लाइक करो यार। फ्रैंकलिन शिनचैन सारे के सारे तुम्हारे दोस्त है भाई, लिटिल सिंगम भी तुम्हारा दोस्त है। लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो चैनल को अगर पहली बार आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई।